हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम पॉइंट। और आज हम स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है मीजो कंपाउंड। आज की हम वीडियो में देखेंगे कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं, कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज है जो मीजो कंपाउंड फॉलो करते हैं, या और मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे नेचर में, और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आज हम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम बात करें मीजो कंपाउंड, तो मीजो कंपाउंड होने के लिए कोई भी कंपाउंड को ये दो प्रॉपर्टीज फॉलो करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहली प्रॉपर्टीज क्या है, इट शुड हैव मोर देन वन एसिमेट्रिक सेंटर। जो स्पीशीज है उसके पास एक से ज्यादा क्या होनी चाहिए, एसिमेट्रिक सेंटर होने चाहिए, या यू कहें कम से कम दो एसिमेट्रिक सेंटर हो, या इसको हम कह सकते हैं कायरल सेंटर भी हम उसको कह सकते हैं। तो स्पीशीज के पास एक से ज्यादा कायरल सेंटर हो। कायरल सेंटर होते क्या है, कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजो, सबसे पहली कंडीशन। सेकंड क्या है कि उस कार्बन पे क्या हो, चार डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप लगे हो, तो ये होता है एसिमेट्रिक सेंटर। सेकंड कंडीशन क्या है मीजो कंपाउंड के लिए, देयर मस्ट बी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो आपका स्पीशीज है उसके अंदर क्या हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कहीं से एक ऐसा प्लेन पास होता हो जो उस मॉलिक्यूल को क्या करे, इक्वल सिमेट्रिकल पार्ट में क्या करे, डिवाइड करे। तो सबसे पहले जैसे यही कंपाउंड है, आप इसको देख लेते हैं कि ये मीजो कंपाउंड है या नहीं। तो सबसे पहले ये कार्बन हम देखेंगे, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे चार हाइड्रोजन लगे हैं, तो डिफरेंट ग्रुप नहीं है, ये एक कायरल नहीं है। इस कार्बन की बात करें, कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं, कायरल कार्बन क्या होते हैं, ये वीडियो में मैंने आपको कराया हुआ है, आप एक बार वो जाके चेक कर ले तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा व्हाट इज कायरल सेंटर और एसिमेट्रिक सेंटर। तो अगर इस कंपाउंड की अगर हम बात करें, इस सेंटर की हम बात करें, ये sp3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा बिलो द प्लेन, ये ग्रुप अलग है, ये ग्रुप अलग है, दिस इज डिफरेंट ग्रुप एंड दिस इज डिफरेंट ग्रुप, तो ये कायरल सेंटर है। यस, अब इस सेंटर की बात करें तो ये कायरल सेंटर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप है वो डिफरेंट नहीं है, यहाँ पे भी सेम ग्रुप है, इस तरफ जाएंगे और इस तरफ भी जाएंगे तो सेम ग्रुप है, दिस इज नॉट कायरल सेंटर। यहाँ बात करें, दिस इज ऑल्सो ए कायरल सेंटर, क्योंकि ये अलग ग्रुप है, ये अलग ग्रुप है, sp3 हाइब्रिडाइज भी है और चार अलग अलग ग्रुप्स भी है, तो यहाँ पे दो कायरल सेंटर हुए, पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। सेकेंड, देयर मस्ट बी अ प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर आप ये प्लेन पास करते हैं तो ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। तो ये कंपाउंड किस कैटेगरी का है, दिस इज अ मीजो कंपाउंड, ये एक मीजो कंपाउंड है। अब देखते हैं कि मीजो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं या इनएक्टिव होते हैं। अगर मीजो कंपाउंड की बात करें, दे आर ऑलवेज अ कायरल, ये हमेशा क्या होते हैं, अ कायरल होते हैं। वाई, बिकॉज दे हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री, और हमें पता है किसी भी स्पीशीज में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है तो हम उसको किस कैटेगरी में डाल देते हैं, ए कायरल। अगर स्पीशीज में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती तो हम उन्हें क्या कहते हैं, वी आर कॉल्ड द कायरल कंपाउंड। सेकेंड चीज, दे आर ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव, जो मीजो कंपाउंड है ऑलवेज इनएक्टिव होते हैं, क्योंकि ये ए कायरल होते हैं और ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे तो जो प्लेन पोलराइज लाइट है उसको क्या नहीं करेंगे, रोटेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट, अगर हम बात करें अब कुछ क्वेश्चंस की, कौन से मीजो कंपाउंड और कौन से नहीं मीजो कंपाउंड है, तो यहाँ अगर आप देखें, दिस इज एसिमेट्रिक सेंटर, ये एक एसिमेट्रिक सेंटर है। क्यों, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे एक डिफरेंट ग्रुप है, इस एंड पे जाएंगे तो यहाँ डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ कहीं हाइड्रोजन होगा और ये एक मिथाइल है, तो ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज भी और डिफरेंट ग्रुप भी है, तो एक कायरल कंपाउंड हो गया यहाँ पे, सॉरी एक कायरल सेंटर हुआ। यहाँ बात करें इस सेंटर की, तो यहाँ पे देखिए यहाँ से जाएंगे तो डिफरेंट ग्रुप है, यहाँ से जाएंगे डिफरेंट मिथाइल इज डिफरेंट एंड यहाँ पे होगा हाइड्रोजन। बट अगर बात करें कि यहाँ पे एक ऐसा प्लेन है क्या कि इस कंपाउंड को सिमेट्रिकली क्या कर सके, डिवाइड कर सके, नहीं। क्यों, क्योंकि ये मिथाइल अबो द प्लेन है और यहाँ पे जो मिथाइल है वो बिलो द प्लेन है, तो यहाँ पे एसिमेट्रिक सेंटर तो है बट यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये स्पीशीज जो है मीजो कंपाउंड की कैटेगरी में नहीं आएगी। अब यहाँ पे देखिए, दिस इज ए कायरल सेंटर, ये भी एक कायरल सेंटर है, और जब ये प्लेन पास करेंगे तो ये इसको क्या कर रहा है, सिमेट्रिकल डिवाइड भी कर रहा है, तो ये कैसा है, दिस इज अ मीजो कंपाउंड। तो यहाँ पे देखिए, दिस इज अ कायरल कंपाउंड सेंटर, दिस इज अ कायरल सेंटर, ये दोनों एक कायरल सेंटर है, ये एक कायरल सेंटर नहीं हो सकता है, क्योंकि क्योंकि ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजर, हमें कहा था पता है कि sp3 हाइब्रिडाइज हो एक कायरल सेंटर और फोर डिफरेंट ग्रुप लगे हो, दिस आर अ कायरल सेंटर, और यहाँ से जब आप प्लेन पास करेंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में उसको डिवाइड भी करता है, प्लेन है यहाँ पे जो सिमेट्रिकल डिवाइड करता है स्पीशीज को, तो दिस इज अ मीजो कंपाउंड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पे देखिए कि ये मीजो कंपाउंड है कि नहीं, ये देखिए ये
एक कायरल सेंटर है, दिस इज ऑल्सो अ कायरल सेंटर, और ये प्लेन रहा जो इनको क्या करेगा, सिमेट्रिकल डिवाइड करेगा. यस इट इज अ मीजो कंपाउंड, ये एक मीजो कंपाउंड है. नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, हेयर ये देखिए, यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री तो आपके पास है, बट यहाँ पे एक कायरल सेंटर है या नहीं, तो ये देखिए, ये बिल्कुल सेम ग्रुप यहाँ पे है और बिल्कुल सेम ग्रुप यहाँ है, तो ये तो इस कार्बन पे दोनों सेम ग्रुप लगे, डिफरेंट ग्रुप तो हुए ही नहीं. तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री है बट यहाँ पे अकायरल सेंटर नहीं है, तो ये स्पीशीज जो है मीजो कंपाउंड नहीं है. तो उम्मीद है आपको मीजो कंपाउंड का टॉपिक समझ आया. मीजो कंपाउंड के लिए हमें दो चीजें चेक करनी है, एक तो एक से ज्यादा एसिमेट्रिक सेंटर, सेकेंड हमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री उस स्पीशीज के अंदर होनी चाहिए. सो थैंक यू, होप आपको आज का ये कॉन्सेप्ट समझ आया. कॉन्सेप्ट समझ आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी. थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे.